तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म कर समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराने समेत कई वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह मोदी का गारंटी है। बीजेपी ने अपने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता में आई तो तेलंगाना में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूसीसी पर एक समिति गठित की जाएगी। गृह मंत्री शाह ने कहा बनने वाली भाजपा सरकार तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन करेगी जो 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। घोषणा पत्र में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समेकित और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। भाजपा सत्ता संभालने पर कालेश्वरम और धरनी घोटाले और मौजूदा बीआरएस सरकार द्वारा की गई अन्य वित्तीय अनियमितताओं को सहित भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी। घोषणा पत्र में भाजपा शासित राज्यों के समान पेट्रोल और डीजल पर मूल्य विद्युत कर को कम करने को भी वादा किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना 4 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी कहा गया कि मौजूदा धरनी जो बीआरएस सरकार द्वारा लाया गया एक एकीकृत भूमि प्रशासन पोर्टल है को एक पुख्ता भी भूमि प्रणाली से बदल दिया जाएगा। धान पर 3,100 रुपये की पेशकश के अलावा घोषणा पत्र में छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इनपुट सहायता के रूप में 2,500 रुपये प्रदान करने का वादा किया गया है। कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा और जन्म के समय लड़कियों को 2,00,000 रुपये की सावधि जमा दी जाएगी जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बुलाया जा सकेगा। अमित शाह ने कहा हमने जो वादा किया है वो पूरा किया है, हमेशा वादों पर खरे भी रहे हैं और पूर्ण बहुमत मिलने पर वादा पूरा किया। कांग्रेस ने कभी भी अलग राज्य का समर्थन नहीं दिया और जब अनंत पनन में विभाजन किया तो अप्राकृतिक तरीके से तेलंगाना दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण सिर्फ इस राज्य में है जो गैर कानूनी है, हम इसे हटाकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाएंगे। उन्होंने केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि जो तांत्रिक के सलाह पर चलते हैं, अपनी पार्टी का नाम बदला हो वो राज्य कैसे अच्छे से चलाएंगे। घोषणा पत्र में कहा गया कि असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और ओबीसी एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। घोषणा पत्र के मुताबिक सत्ता में आने पर भाजपा बीआरएस सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करेगी। अब देखना इस तरह के घोषणा पत्र से तेलंगाना में बीजेपी को कितना फायदा होता है। धन्यवाद।